देखो दोस्तों, मोटर ख़राब हुआ था, बाकी अपना मोटर चेंज करवा रहा है कपिल 270 रियल का, और ये अपना सिवाने के हैं, यही अपना चेंज कर रहे हैं। कार भाई प्लम्बर सिवान के ही हैं अपना भाई। देखो ये रहा मोटर, तो देखो दोस्तों अपना मोटर बदलने के बाद पानी आने लगा, क्योंकि पराठे बहुत छोटे छोटे हैं तो चार ले रहा हूँ मैं, चार पराठा और पालक की सब्जी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो, और दूसरी कि 4000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने 4000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया, इंशाल्लाह 5000 पूरा होगा तो पार्टी रखेंगे, बिरयानी पार्टी, आप लोग भी आइएगा। बाकी 4000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था कि मैं दिन भर ड्यूटी किया था, रात को मैं गया था अपना पाया बनाने, तब तक वो कफिल के घर वालों ने फ़ोन कर लिया था। फिर वो फ़ोन करके बोले थे कि प्लम्बर को लेके आओ, तो मैं प्लम्बर ढूंढने गया था, तो वहीं पर मैंने वीडियो को एंड किया था, पार्ट वन का, वो पार्ट वन था। तो ये पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट वन भी जरूर देखिए, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैं वहाँ पर पहुँचा था, क्या स्टोरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में आ जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी जैसे आप लोगों ने पार्ट वन वीडियो को प्यार दिया था, वैसे ही प्यार पार्ट टू का भी जरूर दीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो मैं वीडियो वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे मैंने एंड किया था, वो प्लम्बर को ढूंढने गया था मैं हार्डवेयर के दुकान में, तो वहीं से मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, कोई मिलता है तो लेके जाता हूँ, नहीं तो मैं कहाँ ढूंढूँ प्लम्बर को। अरे भाई, तो देखो ये इधर का हार्डवेयर का दुकान है। तो देखो दोस्तों, अपने रूम में यही से मैं टोटी वगैरह लेके जाने वाला था लगाने के लिए अपने घर में, मगर घर ही टूट गया, क्या करे। देखो ऐसा ले जाता मैं सोने जैसा। तो दोस्तों टैंकी में कुछ खराबी हुआ, पानी नीचे नहीं जा रहा, वही बनवाने के लिए इधर बुलाए हैं। और ये छत तो आप लोग देखे ही होंगे, अगर नहीं देखोगे तो वीडियो बना है इसका, मैं और जोहर भाई पूरा साफ सफाई किए थे उस दिन पूरा ये छत, तो आप लोग वो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में डाल दूँगा। 2 साल बाद ये छत पर मैं आया हूँ। ये इधर छत पे चढ़ा हूँ मैं, ऊपर का नज़ारा देखो, कैमरे में साफ नहीं आ रहा रात को। तो देखो कई बार ये खराब हुआ है, चेंज हुआ है, तो देखो दोस्तों मोटर खराब हुआ था, बाकी अपना मोटर चेंज करवा रहा है कपिल 270 रियल का, और ये अपना सिवाने के हैं, यही अपना चेंज कर रहे हैं, कार भाई प्लम्बर सिवान के ही हैं अपना भाई। देखो ये रहा मोटर, तो ये सीनी मोटर लिया है, मतलब चाइना का, और वो अपने गाड़ी से जा रहे हैं, और बाकी जो कार भाई है उनको मैं अपने गाड़ी से भेज दिया, वो अपने गाड़ी से गए हैं। तो देखो दोस्तों अपना मोटर बदलने के बाद पानी आने लगा, सुपर कप के इजी तहत फोग वादन तहत अदर हो लाजी मोया इजी नूस इजी मोया है ना वादन इजी। तो देखो दोस्तों ये पुराने ज़माने का एंटीना, जो कि पहले का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, अभी तक लगा ही है, उतारा नहीं है कफिल ने। तो दोस्तों देख रहे हो 10:21 हो रहा है, इधर ही कफिल के घर के बाहर ही। अब बताओ अब मैं जाके कैसे पाया बनाऊं, खाना बनाऊं, आप ही लोग बताओ।
तो दोस्तों जा रहा हूँ मैं इधर अलबादिया में, वहाँ से मैं ले लेता हूँ खाना, कुछ देखता हूँ चावल वगैरह जो भी मिल जाए, सब्जी रोटी जो भी हो, फिर लेके चलते हैं अपने रूम पे, खाना खा के फिर सो जाएंगे और फायर रख दूंगा मैं, कल बनाऊंगा। अब देखो दोपहर को भी तकलीफ होगा। अभी इस टाइम में होटल सारा बंद हो चुका है और जो खुला भी है सालन वगैरह ख़त्म हो चुका है। अभी सुबह जहाँ से लेके गया था मैं बैगन आलू, वो उसमें सालन ख़त्म हो चुका है, देख रहे हो पूरा अंधेरा, पूरा खाली खाली हो गया है। तो दोस्तों पहले मैं सोच के आया था कि यहाँ से लूँगा मैं मच्छी चावल, और पिछली बार जो मच्छी ले गया था मैं आप लोगों ने देखा ही था पानी जैसा, तो 2 रियाल का ले रहा हूँ मैं ये सब्जी पालक का, बाकी 2 पराठा, क्योंकि पराठे बहुत छोटे छोटे हैं तो 4 ले रहा हूँ मैं, 4 पराठा और पालक की सब्जी। तो 4 रियाल का ले लिया मैंने सब्जी और पराठा। पहले मैंने उसको ऑर्डर दे दिया था चावल और मच्छी, वो बंदा खुश हो गया कि 10 रियाल का काम हो गया। 10 रियाल का ले जाता चावल मच्छी, किसी काम का नहीं, किसी टेस्ट का नहीं, तो इसलिए मैं दोबारा ये बोला तो बोला नहीं तुम चावल और मच्छी लेके जाओ, मैं बोला नहीं चाहिए चावल मच्छी, मेरे को भूख नहीं है, भूख मर गया। अब देख रहे हो दोस्तों ये खर्चा तो कफिल देगा नहीं, आज करीब 300-400 रियाल उसका खर्चा हो गया, 10 रियाल 5 रियाल तो दिया नहीं मुझे कि जा तू होटल में खा लेना, ये भी खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है, महीने में 2-3 ऐसा ड्यूटी आ जाता है तो समझो अपना काम हो गया। तो आ गया मैं अपने रूम पे, देखो ये अपना कुकर ऐसे ही पड़ा है। तो देखो दोस्तों ये है अपना पालक का सब्जी, बाकी ये पराठा, 4 पराठा है। चलो अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने बिस्मिल्लाह करवा के। तो दोस्तों अपना खाना वगैरह हो गया और आप लोगों ने देखा कि कैसे वो लोग बुला लेते हैं, ये नहीं सोचते कि ये खाना खाया है कि नहीं खाया है, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, वो लोग पहले जैसा सोचते हैं। पहले वाला मेरा रूम था तो मैं रात के 1-2 बजे तक खाना बना के अपना खा लेता था, इन लोगों को बोलता नहीं था, मगर यहाँ पे देखते हो कि ये रूम पार्टनर की वजह से 9-10 बजे ही अपना लाइट बंद करना पड़ता है। मतलब सऊदी में कौन 10-11 बजे सोता है, कोई भी, चाहे सुबह 5-6 बजे भी ड्यूटी रहता है ना तो 12 बजा ही देते हैं सोते सोते, मगर इसका नखरा अलग रहता है। यही 1 साल से मैं झेल रहा हूँ, देखता हूँ कि तकलीफ हो जाता है, कभी भी अगर रात का ड्यूटी आ जाता है तो होटल से खाना खाना पड़ जाता है, अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो उसके वजह से अपना दिन में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा था मैंने आप लोगों को स्लिप दिखाया था, 270 का मोटर मिला था, बाकी 10 रियाल का वो पाइप एक आया था, 280 रियाल खर्च कर दिए थे, मगर 10 रियाल नहीं पकड़ा दिया कि जाओ तुम अपना होटल से कुछ खा लेना, नहीं अपने ही लेके आया मैं सब्जी पराठा और वही खाया। बाकी कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं सब्जी खाओ सब्जी खाओ, तो आप लोग तो देख ही रहे हो कि होटल से मैं सब्जी खा ही रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी खा ही लेता हूँ। अब देखते हो कि यहाँ के पास वाले जो खुदरे का दुकान होता है वो सऊदियों के लिए सब्जी रहता है, ऐसे खारजी लोगों का ऐसे रहेगा तो वो घिया रहेगा, भिंडी रहेगा और करेला वगैरह रहेगा, ये 2-3 चीज़ रहता है जो कि हम लोगों का खाने वाला चीज़ रहता है, तो मैं वो चीज़ खाता ही नहीं हूँ। बाकी अगर हरी सब्जी लेना है तो वो जाना पड़ेगा मार्केट में, हिंदी मार्केट में जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहीं पर मिलेगा गोभी साग जो भी हो अपना, तो वहीं पर मिलता है। तो देखते हो कि गाड़ी ज़्यादा दूर ले जाने का अलाउड नहीं है तो मैं उतना हिंदी मार्केट में नहीं जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये पास में अलबादिया मार्केट है वहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे वही मुर्गी मिलेगा, बाकी घिया मिलेगा और भिंडी और करेला मिलेगा, यही 3 चीज़ मिलेगा। बाकी अगर और कुछ खाना है तो चना का दाल खाओ, दाल खाओ, चटनी खाओ, यही सब बना के खा सकते हैं इधर सऊदी में। बाकी सोचो कि पास के सुपरमार्केट में कुछ जाके हम सब्जी वगैरह ले ले तो यहाँ नहीं मिलने वाला अपने हिसाब से, यहाँ पे ज़्यादातर मुर्गी ही मुर्गी मिलेगा, और वो खुदरे का दुकान में मिलेगा भी तो आलू मिलेगा, आलू भी नहीं खाता मैं, और गोभी मिलता है तो 1 गोभी 5 रियाल का। अब सोचो 1 गोभी ला के 5 रियाल का, बाकी सिर्फ गोभी तो बना नहीं सकते, उसमें आलू भी डालना होगा, तो आलू भी मिलता है वही 3-4 रियाल का, तो 9 रियाल वैसे ही हो जाता है, तो वही मैं सोचता हूँ कि 9 रियाल का तो मुर्गी आ जा रहा है, और ये गोभी बनाओ तो 1 किलो लाओ तो 250 ग्राम बन के होता है,
और मुर्गी लाओ तो 250 ग्राम बनाओ तो आधा किलो हो जाता है। तो यही है, यहाँ पे सब्जी महंगा है और मुर्गी सस्ता है, उसी वजह से मैं वो मुर्गी खाता रहता हूँ। यहाँ पे सब्जी खाने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मुर्गी मटन चिकन सस्ता मिल जाता है। अब अगर सेम खरीदोगे तो 16 रियल किलो सेम मिलेगा और मुर्गी 9 रियल किलो। तो आप ही लोग सोच लो, परवर खरीदेंगे तो परवर 14 से लेके 16 रियल किलो है और मुर्गी 9 रियल, और मुर्गी का दिल गुर्दा कलेजी वो 4 रियल 5 रियल में मिलता है यहाँ पे। तो यही है, ये नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ सब्जी, बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कभी कभार मैं जाता हूँ मार्केट में तो सब्जी लेके आता हूँ, बाकी मजबूरी में इधर अपना चिकन खाना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही बताना था, आप लोगों को क्या कहना है वो कफील के ड्यूटी के बारे में या फिर ये रूम पार्टनर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाद सलाम, टेक केयर।